एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से आए हैं एक बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके। बहुत फटाफट से बन जाती है और बहुत टेस्टी होती है। ज़्यादा कुछ भी तामझाम नहीं है, आप आराम से इसे बना सकते हैं। बच्चों को भी पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है, बड़े भी इसे आसानी से इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसीनेस नहीं होता है। बहुत सटल सी सब्जी होती है ये, बहुत सटल सा टेस्ट होता है इसका। तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। और घरों में मोस्टली ये बड़े लोगों को ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि ये है जिमीकंद, या आप इसे इंग्लिश में कह लें यैम, और हम लोग के यहाँ यूपी में इसे सूरन कहा जाता है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं सूरन की एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, जो कि हम लोग बनाएंगे दही के साथ। दही के साथ कुछ खेल करेंगे, उसके बाद बन जाएगी हमारी ये टेस्टी सी सब्जी। तो चलिए बिना किसी देरी के बनाते हैं अपनी जिमीकंद करी, याम करी या सूरन की सब्जी यूपी स्टाइल में। तो फटाफट से देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और बनाना शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। अभी मैं कुछ देख रही थी अपने चैनल की जो ग्रोथ हुई है, उसके बाद मैं थोड़ा सा काफ़ी कुछ ब्रेक कर दिया था मैंने कुछ टाइम की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो कभी कभी आ जाती है सिचुएशंस, आपके हाथ में नहीं होती है, आपको करना पड़ता है। तो बस उसी वजह से कुछ गैप चल रहा था, जो कि अब मैं उसे नहीं करूँगी गैप वीडियोस में, या जो ब्लॉग्स हैं या वीडियोस हैं रेसिपी के, उनमें अब गैप आने की बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी कि गैप नहीं आए। पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी मेरा है मंडे टू फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे को मैं वीडियोस डालती हूँ, तो वो मेरा कंटिन्यूसली जाए। तो इसके लिए अब वीडियोस मैं शूट करूँगी टाइमली, और टाइमली डालूँगी भी, अपलोड करूँगी। तो बस आप लोग सपोर्ट देते रहिए, इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट और देते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है, रेसिपी पसंद आती है। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, आपने ये वीडियो देखा आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो नीचे बेल आइकन आ जाएगा, उसे भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। सूरन, जिमीकंद या याम, जो भी आप इसे कहते हैं, आप इसे ले लीजिए और अच्छे से छील कर इसे साफ कर लेंगे, पानी से अच्छे से धोकर बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। इन्हें हमें बॉईल करना है। मसाले के लिए यहाँ पर हमने लिया है 3 बड़े प्याज, 12 से 15 लहसुन की कलियाँ, लहसुन इसमें ज़्यादा जाता है तो हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और हरी मिर्च लेंगे अपने हिसाब से, आपको जैसा तीखा पसंद हो। और यहाँ हमने लिया है 1 कटोरी दही, जिसे बहुत अच्छे से फेंट लिया है, खट्टा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, हल्का सा रहेगा तो चल जाएगा। 2 टमाटर ले लेंगे, रफली चॉप कर लीजिए या इस तरह से लंबे टुकड़ों में कट कर लीजिए, पूरी तरह से आपके ऊपर है। और फ्रेश हरा धनिया। ग्रेवी को मेंटेन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम पानी का यूज़ करेंगे। सब्जी हम कन्फर्म करके मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे क्योंकि उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। और तड़के के लिए 1 साबुत लाल मिर्च और 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च, 1/2 चम्मच शक्कर या चीनी, जो भी आप इसे कहते हैं, 1 चम्मच गरम मसाला लेंगे, और नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार। जब भी मैं नमक स्वाद के अनुसार वाली लाइन वॉइस ओवर डालती हूँ तो मेरे हस्बैंड पीछे से कहते हैं नमक टेस्ट अनुसार लेंगे। तो चाहे टेस्ट अनुसार लीजिए, चाहे स्वाद अनुसार। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, बनाते हैं यम्मी सी याम करी। अभी कढ़ाई में पानी लेंगे खूब सारा, आप चाहें तो इसे प्रेशर कुक भी कर सकते हैं सूरन को, लेकिन यहाँ पर मैं इसे इस तरह से बॉईल कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालेंगे उसमें और अच्छे से बॉईल आ जाने देंगे। बॉईल आ जाने के बाद सूरन जो हमने लिया है उसे वैसे ही इसमें डाल देंगे और इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक करके पका लेंगे। ये देखिए, लगभग 10 से 15 मिनट के बाद मैं नाइफ डाल रही हूँ, नाइफ इजीली उसके आर पार चला जा रहा है। तो बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा अच्छे से बॉइल हो गया है और इसका शेप भी बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं है। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे क्योंकि हमें सूरन के पीसेस को जो हमने कट कर लिए इन्हें फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। तो बस जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे, बहुत केयरफुली डालें। जब भी कोई भी हम फ्राइंग का काम करते हैं या तलने का काम करते हैं तो बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। तो
जिसे थोड़ी देर तक इसी तरह से चलाते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए इस पर, बस ये देखिए ये हल्के गोल्डन हो गए हैं। तो बस अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और ये फ्राई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सूरन जो है वो ऑयल को अब्जॉर्ब नहीं करता है बिल्कुल भी। सिर्फ ऊपर ऊपर जो ऑयल है वो आप एक टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए, तो आपका सारा ऑयल जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा। ये देखिए अब हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के बाकी थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें डाल देंगे जीरा, और जीरा जैसे ही चटक जाएगा जो हमने प्याज लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाया था ये डालेंगे, लेकिन इसे भी केयरफुल डालेंगे। थोड़ा सा आप कढ़ाई का कवर लगा के डालें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छटकता है, तेल के छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं, इसलिए इस तरह से कवर करके डालें और थोड़ी देर तक रहने दें। थोड़ी देर बाद आप उसे उठाकर फिर इसे मिक्स करें और जो बाकी का बचा हुआ मसाला है वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें अब भूनना है। भूनना से मतलब इसे काफ़ी अच्छे से भूनना है, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, मिनिमम 10 मिनट लग सकता है अगर आप मीडियम हीट पर भूनते हैं तो, और हाई हीट पर भूनते हैं तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन मीडियम हीट ही मैं प्रेफर करूंगी आपको। ये देखिए ये लगभग 10 मिनट तक मैंने भून लिया है और सारा मॉइस्चर अलग हो गया है, खत्म हो गया है, मसाला एकदम ड्राई हो गया। तो अब इसमें डालेंगे ड्राई स्पाइसेस, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर सॉरी मैंने इंग्रेडिएंट में नहीं बताया था, मैं मिक्स कर दी थी उसके लिए सॉरी, लेकिन धनिया पाउडर इसमें जरूर से डालिएगा और गरम मसाला पाउडर। अभी ये काफ़ी ड्राई ड्राई है तो मसाले को भूनने के लिए हमें इसमें हल्का सा पानी ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें और इसे मिक्स कर देते हैं। बस इसे थोड़ी देर तक इसी तरह से भून लेना है ताकि इसमें से जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। ये देखिए ये मसाला हमारा अच्छे से भून गया, ऑयल भी सेपरेट हो गया इसमें से। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे जो हमने टमाटर काट के रखे हुए हैं वो टमाटर, आप चाहें तो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे इस तरह से पसंद है, थोड़ा सा उसकी बाइट आती है तो उसका टेस्ट मिक्स आता है, इसलिए मिक्स करके इसे भी थोड़ी देर मसालों के साथ भून लेंगे ताकि हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए मैं प्रेस करके देख रहा हूँ टमाटर हल्के से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम डालेंगे इसमें दही, दही को मैंने बहुत अच्छे से फेटा था, ये देखिए बहुत अच्छे से फेटा था इसे, तो ये अब फटने का चांस इसका नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप जब भी दही डालें तो हीट को बिल्कुल मिनिमम कर दें। अब इसे भी थोड़ी देर तक हम मसालों के साथ भून लेंगे। दही डालते ही देखिए आपकी ग्रेवी का कलर बहुत रिच हो जाता है और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये देखिए थोड़ी देर तक भून लिया हमने और दही वाले मसाले से भी ऑयल बहुत अच्छे से अलग हो गया है और टमाटर भी हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपने सूरन जो हमने फ्राई करके रखे थे। मिक्स कर लेते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही इसे बस नमक डाल के सर्व कर सकते हैं थोड़ी देर पका के। मुझे थोड़ा सा ग्रेवी बनाने से मैंने इसमें पानी डाला है लगभग 1 कप, या ग्रेवी आप जैसा भी रखना चाहें आप डाल सकते हैं उस हिसाब से पानी। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार या टेस्ट अनुसार जैसा भी आपको पसंद हो। इसमें डालेंगे शक्कर या चीनी जो भी है आप जो भी कहते हैं उसे। अब इसमें डाल देंगे हम फ्रेश हरा धनिया और बस अब इसे हमें कवर कर देना है और 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम हीट पर कुक कर लेना है। ये देखिए लगभग 5 से 10 मिनट तक हमने इसे पका लिया है और अब हमारी ये सूरन की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है। सूरन के पीसेस का शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा है। तो ये हमारी सूरन की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है, काफ़ी टेस्टी दिख रही है और सच में ये है भी, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। इसे हम धनिया के पत्तों से गार्निश कर देते हैं और ये देखिए
ये जो टमाटर हमने अपने चॉप करके डाले थे उससे इसका टेक्स्चर और लुक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो आप इसे बस फटाफट से बनाइए और उनके साथ एंजॉय करिए। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था उसे ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर हिट करिएगा। थैंक यू सो मच।